धर्मेंद्र सिंह चाहर चिरमोली अकोला से और ढोलक पर संगति कर रहे हैं बोई हमारे छोटे भाई रामवीर सिंह नसवाड़ा डीग राजस्थान से। और ये पैर की जो मधुर झनकार दिखा रहे हैं वो ही मुरारी लाल नगला देविया गोवर्धन से और हमारी इस आवाज को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं बोई हमारे परम पूज्य पंडित रोहितास डीजे साउंड सर्विस जनूथर राजस्थान से। लीजिए सभी श्रोतागण, मैं तो बार बार आप सभी से यही प्रार्थना यही गुजारिश करूंगा कि शांति बनाएंगे। जिस प्रकार सभी कलाकारों को आप बारी बारी से सुन रहे हैं उसी प्रकार झिकड़ी का आनंद लेते रहे। कभी लिख रहे हैं भैया रामवीर, क्या लिख रहे हैं? ये आदमी का जिस्म क्या है, ये आदमी का जिस्म क्या है और ये जिस पे सेता है जहां, आज एक मिट्टी की इमारत तो एक मिट्टी का खून का गारा बनाया ईंट जिस्मी हड्डियां, आज चंद्र श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां। मौत की पुरजोरी आंधी जब तुम्हें टकराएगी, आज टूट करके फिर इमारत ये खाक में मिल जाएगी। सजनों लगाएंगे अपने ध्यान को, प्रसंग की ओर, समय कम काम ज्यादा। भैया रामवीर मेरा वही प्रसंग है जिस समय पितामह भीष्म विदुर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गए। जाकर के जवाब दिया, भैया एक कुरनंदन कौन के बंधन, एक कुरनंदन ये कौन के बंधन, युद्ध की झालर बाजी रे मेरे हेरो भेम बता दे बेटा वो पटरानी कहा रे। सो काम इन काम समर में नाई क्यों इन नारी नकु सजवायो और फिर दुर्योधन जाल। पिता में भीष्म ने कहा दुर्योधन से, ए दुर्योधन मैंने ये सुना है कि आज तू सेना लेकर जा रहा है, मैं मानता हूं यदि किसी राजा ने तेरे ऊपर चढ़ाई कर दी है तो तू सेना लेकर जा सकता है, लेकिन भैया मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि युद्ध में तेरे साथ नारी भी जा रही है, युद्ध में नारियों का क्या काम। इतने वचनों को सुना और भीमसेन ने इधर भैया क्या हुआ क्या कहा, धोखा दे दिया। लेकिन दिल के जो विचार हैं वो दिल के विचार क्या हैं? देख दियो पितुर भीषम को चल दे चोरा चोरी है, और ये पंडन मारी अब ये पंडन मारी छुड़ाई ले द्रौपदी जाई करो पर बजा
में जवाब दिया, कामिन काम समर में नाए। दुर्योधन ने कहा है कि पिता मैं भीष्म से, बाबा जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल अपने परिवार को गंगा स्नान के लिए लेके जा रहा हूँ। धोखा दे दिया, लेकिन जो दिल के विचार हैं दुर्योधन के, वो कह रहा है द्रौपदी अब बियाबान जंगल से तू कहाँ भाग के जाएगी, अब देखूंगा। तो क्या कहा भैया? दुर्योधन कह रहा है कि द्रौपदी अब देखूंगा तू बियाबान जंगल से कहां भाग के जाएगी। कहानी ने मोड़ लिया, सेना को तैयार कर दिया है और कहां पहुंच गए? कौरव ना की सीम कटकने चक्कर खाए हो और ये झांडापन के बीच बाग इंद्र को आयो। गए गैलकू भूल फिर रखे रखाए बाग में इन हाथी दिए, सो बाग बगीचा सब तोड़ारे मां है रही रेलम पीला और बाद न मां रखवारे दे रहे। सजनों रास्ता भूल गई सेना और रास्ता भूल कर कहां पहुंच गई? खांडापन में, जहां के राजा इंद्र का बगीचा था। बगीचे में पहरेदार पहरा लगा रहे और पहरेदारों ने कहा कि सामी पे गंधर्व पुकारे, ये कहा ऊपर पे टूट गई, ये तो बाग पिता इंद्र को का ही हमा फेंकी टूट गई। सो ननिया सुसर चले कहां आए, दिए हाँ कि तवेला और बाग नमा रखवारे दे रहे। जब सेना प्रवेश हो गई बगीचे के अंदर, पहरेदारों ने कहा कहां जा रहे हो, कौन है, कहां से आए हो? गाली गलौज देने लगी। दुर्योधन पर बात सहन नहीं हुई, लेकिन भैया हुआ क्या? बहिना सेन लाल करी, लाल करी नैन क्रोध में छाए, क्रोध में छाए और रखवारे, ये रखवारे चारों घेर बाधिन पाण बर साए। कर बाण क्रोध कर भा
बहुत हम जानी। कूद पड़ो भगदंत बलि, चारों की जाय भुजा पकड़ी। अरे कहो तुम्हें पाताल पठाए दूं के पहुंचाए दूं इंद्रपुरी। सो चारों डार लिए झाड़ी में तनकन करियो झमेला, और मां रखवारे दे रे बलि। भगदंत कूद पड़ा, चारों पहरेदारों की भुजाओं को पकड़ लिया और कहा, कहां जाना चाहते हो बताइए, राजा इंद्र के पास या पातालपुरी में? हाथ जोड़ करके पहरेदारों ने विनती की, भैया कैसे? ये रे कर विनती, ओ भैया कर विनती, और ये प्राण बचाए, और भैया भग इंद्र सभा में आए। पास पहुंच गए, जाकर के कहा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज की दुहाई हो, दुहाई हो। राजा इंद्र ने देखा और कहा, कहिए क्या बात है, क्यों परेशान है? तब कहा पहरेदारों ने, महाराज लाखों वाज करोड़न हाथी, ये लाखों वाज करोड़न हाथी वो हस्तनापुर को वासी है, ग्यारह अक्षोणी दल राजा को सो बद के फौज निकासी है, सो सत्यानाश बाघ को कर दियो ढूंढे ते मिले न केला, और बाद न मार रखवारे दे रे। महाराज न जाने कितने घोड़े हैं, न जाने कितने हाथी हैं, सेना का कोई पार नहीं है, अपार सेना है। इतने वचनों को सुना और हुआ क्या भैया? Oh,
महाराज इंद्र क्रोध में छा गए, सेना को आदेश दे दिया, वज्र को हाथ में उठा लिया और सेना प्रस्थान करने लगी। उड़ान सुनिए। सो भैया मेरे आगे सुनो भैया, हुकम सेना को दियो है, ये हुकम सेना को दियो है, क्रोध में भरी गयो ही यो है। क्यों सीता जी का हरण किया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वो
सुनिए कैसे बेटा। ये मुक्ति है तो मैंने सिया चुराई, तो ये दिल के अरमा टूट रहे, लेकिन आज के रावण सरे या मम्मा बहन की इज्जत लूट रहे, आज के रावण सरे या मम्मा बहन की इज्जत लूट रहे। अब दूसरा बंद सुनिए, दूसरे बंद में कहा रावण ने, ये तरन है तन निज कुल मरवाया, कुछ नेता नीच रावण से भी ज्यादा करे बतन से गद्दारी, कुछ नेता नीच क्या बात बड़ा। और तीसरी लाइन क्या करिए वकील साहब, घर से निकाला विभीषण भाई, भाई रावण ने कहा मैं मानता हूं कि मैंने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया, लेकिन ये घर से निकाला विभीषण भाई, मैंने कर खोटा व्यवहार दिया, लेकिन आज भाई भाई ने भैया को फिर मौत के घाट उतार दिया, आज के रावण भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। अब अंतिम मंद पेश कर रहा हूं, मंदोदरी की मैंने बात न मानी, कर काम न कोई भला दिया, लेकिन आज लाला दहेज के रावण ने नारी को जिंदा जला दिया, आज लाला दहेज के रावण ने नारी को जिंदा जला दिया। इसलिए कवि ने छाप लगाई, राम भी रखे आग लगाए के, क्या बात बेटा, राम भी रखे आग लगाए के, विंदे रावण घूम रहे, क्या पुतलों को जला रहे, या जिंदे रावण घूम।